शनिवार सुबह को सुहागन महिलाओं द्वारा घर की सुख शांति के लिए दशा माता की पूजा की गई। सुबह से ही मंदिरों में महिलाओं की कतार लगी हुई थी और पूरे शहर भर में ये पूरा उत्सव बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। महिलाओं ने पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर वृक्ष पर डोरे भी बांधे, साथ ही मंदिर के बाहर घरों के प्रतीक बनाए तथा घर में सुख समृद्धि कायम रहे इसकी कामना की। इस दिन महिलाओं ने व्रत रखने के साथ दशा माता की कथा का श्रवण भी किया। इस पर्व के दौरान महिलाओं ने घर के बाहर स्वास्तिक व हाथों के छापे भी लगाए। दशा माता के पूजन के लिए श्रद्धालु महिलाएं पीपल के वृक्ष के पूजन के लिए बड़ी संख्या में तड़के से ही पहुंच गई। दशा माता पूजन का सिलसिला दोपहर बाद तक जारी रहा। तो आज का जो महत्व है, चैत्र कृष्ण दशमी दिन ये दशा माता का पूजन होता है। अब आप ये वृक्ष देखें, वृक्ष को दिखा दें आप। ये वृक्ष कम से कम 100-150 वर्ष से हमारे तीसरी पीढ़ी से पूजन हो रहा है यहाँ पर। यहाँ हजारों महिला आती है पूजन करने। और आज का जो दशा माता का महत्व है, चैत्र कृष्ण दशमी के दिन यहाँ पर सारी महिलाएँ व्रत रख के आती है और दशा माता का यह पेड़ के यहाँ पूजन करती है। पेड़ के पूजन में प्रकृति का पूजन भी होता है, यहाँ दशा माता का देवी देवता का इसमें वास रहता है, इसलिए पीपल के वृक्ष के यहाँ पूजन होता है। और इसका इनको माता जी से यही मांगना रहता है कि सुख समृद्धि घर की और स्वास्थ्य की रक्षा और बच्चों का भविष्य अच्छा बने, विद्या अर्जन करें। आज के व्रत के दिन महिलाएँ अच्छे से तैयार होती है, मेहंदी लगाती है, 16 श्रृंगार करती है, उसके बाद फिर दशा रानी की पूजा करती है, कथा सुनती है, पूजा करती है अच्छे से समृद्धि के लिए। पूजन स्थल पर महिलाएं नल दमयंती की कथा सुनती तथा गले में धागा भी पहना। पूजन के पश्चात महिलाएं अपने घरों पर हल्दी एवं कुमकुम के छापे भी लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।